नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना सातखेड़ आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने विश्वासमत हासिल किया। दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत, MSP गारंटी कानून को तुरंत लागू करने की मांग। यूपी बरेली में डेमो के दौरान धमाका, बाल बाल बचे वन मंत्री और कमिश्नर। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, उनके खिलाफ दर्ज सभी FIR को लखनऊ ट्रांसफर किया गया। राजस्थान जयपुर में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अल्लाह ने मुझे सही समय पर बचा लिया, पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान का ट्वीट। अहमदाबाद के विशाल सर्कल के पास भीषण सड़क हादसा, एक गंभीर रूप से घायल। अमृतपाल सिंह के 5 साथियों पर लगा NSA। पंजाब पुलिस का बयान, अमृतपाल सिंह अभी फरार, अफवाह फैलाने पर होगी कार्रवाई। पंजाब में शांति भंग के प्रयास में अब तक कुल 114 लोग गिरफ्तार। राहुल गांधी के लोकतंत्र संबंधी बयान पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। JDU ने बिहार में 10 नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान के भतीजे बैरिस्टर हसन नियाजी गिरफ्तार। कृषि मंत्री के साथ बैठक के बाद किसानों का ऐलान, कहा 20 दिन बाद करेंगे बड़ा आंदोलन। फांसी के फंदे पर लटका मिला DJ एजेक्स का शव, गर्लफ्रेंड पर ब्लैकमेलिंग का आरोप। टिप टिप बरसा पानी पर रवीना टंडन ने किया क्विक स्टाइल डांस, सुनील शेट्टी बोले आंखों में बसे हो तुम। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस जारी, कोविड जैसी होगी इन्फ्लुएंजा की निगरानी। अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस को ISI की भूमिका, विदेशी फंडिंग का संदेह, अब तक 174 लोग गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को लेकर नियम बनाने की याचिका खारिज की। सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी के चेन्नई स्थित घर में लगी सेम, चोरी हो गया सोने के गहने। सलमान खान ने फैंस को दिया सरप्राइज, अपने आवाज वाले सॉन्ग जी रहे थे हम का टीजर किया रिलीज। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, टीम इंडिया को चेन्नई में 6 साल से जीत की तलाश। जापान के प्रधानमंत्री ने PM नरेंद्र मोदी को G7 बैठक का दिया न्योता, कई अहम मुद्दे पर हुई चर्चा। KP Express में इतना है। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए KP News 24x7। धन्यवाद।